उसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है, उसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। हेलो व्यूअर्स, कैसे आप सब। राम रिसर्च क्लासेस के माध्यम से मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी से संबंधित है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें कितने ग्रह है, या जो ग्रह है आठ, वो आठ ग्रह कौन कौन से है। इसके लिए आज हम एक ट्रिक लेकर के आए हैं। ट्रिक ऐसा है कि आप कभी भी जिंदगी में भूल नहीं पाओगे, जो आठ ग्रह है उनका नाम आप कभी भी भूल नहीं सकते हो। ऐसा ट्रिक आज हम लेकर के आए हैं। तो चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो हमारे जो सोलर सिस्टम में आठ ग्रह है वो कौन कौन सा है, इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग उस आठों ग्रह को सीखेंगे। तो हम लोग उसके लिए ट्रिक बनाते हैं और लिखेंगे M, इसके बाद मैम J और सन। बस हमें ऐसा ही याद रखना है कि बस हमें याद रखना है M, वैम, J और सन, और हमें जो है ये आठों सोलर सिस्टम का ग्रह है हमें याद हो जाएगा। कैसे, तो देखिए M का मतलब यहाँ पर हो जाएगा मरकरी, मरकरी, और इसका मतलब होता है बुध, तो ये एक ग्रह हो गया। यहाँ पर भी से हम लोग जानेंगे वीनस, इसका मतलब शुक्र हो जाता है। और अगला जो ग्रह है ई, तो ई का मतलब हम लोग समझेंगे अर्थ, और अर्थ का मतलब हो जाता है पृथ्वी। हमारा जो चार नंबर का ग्रह है एम, तो इसे हम लोग बनाएंगे मार्स अर्थात मंगल। पांच नंबर का हमारा ग्रह है जे, हम लोग बनाएंगे जुपिटर अर्थात बृहस्पति, बृहस्पति। हमारा छह नंबर का जो ग्रह है उसको हम लोग बनाएंगे एस से, सैटर्न, सैटर्न अर्थात शनि। हम लोग सात नंबर का ग्रह बनाएंगे, सात नंबर का ग्रह हम लोग बनाएंगे यू, यू से यूरेनस, यूरेनस अर्थात अरुण। और आठवां नंबर हमारा ग्रह है एन से, नेपच्यून, नेपच्यून अर्थात वरुण। तो सौर मंडल का जो आठ ग्रह है वो आठ ग्रह इस प्रकार है कि मरकरी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, इसके बाद अरुण और वरुण। तो हमें बस ऐसा याद रखना है एम, वैम, जे, सन, और इसका मतलब समझ लेना कि एम से हम क्या कहेंगे मरकरी, इंग्लिश में इसका नाम हो जाता मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, यही वो आठ ग्रह है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों को हमारे चैनल से रिलेटेड कोई जानकारी देनी है या कोई सुझाव देना है तो हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।